देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक जिसका नाम है पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर सेट्स। ठीक है, अब ये पंपिंग लेमा क्या होता है, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। ये है द पंपिंग लेमा विच इज़ पावरफुल टूल फॉर प्रूविंग सर्टन लैंग्वेजेस आर नॉट रेगुलर लैंग्वेजेस। यानी क्या होता है, यहाँ पे कोई कोई लैंग्वेज को हमें अगर क्या करना है कि वो रेगुलर नहीं है, ऐसा अगर शो करना है तो हमारे पास क्या प्रोविजन है, पंपिंग लेमा नाम का हमारे पास एक थ्योरम है जो हमारे पास अवेलेबल है। और ये क्या करता है कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज नहीं है तो ये प्रूव करके देगा हमें कि द गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि पंपिंग लेमा हमें ये बताता है कि कौन सी लैंग्वेज रेगुलर कौन सी लैंग्वेज नॉन रेगुलर। बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये हमें क्या बताता है कि गिवन लैंग्वेज नॉन रेगुलर है कि नहीं है। ठीक है, पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना यानी ऐसा नहीं होता कि वो रेगुलर है ही है। ठीक है, आइए बताता हूँ मैं इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई ये नॉट वर्ड जो है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू मी ये नॉट वर्ड जो है, नॉट रेगुलर, ये नॉट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इधर, द लैंग्वेज विच डज नॉट सेटिस्फाई द पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी इज नॉन रेगुलर लैंग्वेज। यानी कोई लैंग्वेज अगर क्या करती है, नॉट सेटिस्फाइज द पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी इज नॉन रेगुलर लैंग्वेज। यानी कि ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो क्या हुई, वो लैंग्वेज हुई हमारी नॉन रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, पर देखिए ये थर्ड पॉइंट क्या है, द लैंग्वेज विच सेटिस्फाइज पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी कैन बी रेगुलर और नॉन रेगुलर लैंग्वेज। यानी पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लैंग्वेज रेगुलर है। ठीक है, पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है तो वो क्या हो सकता है, रेगुलर भी हो सकती है लैंग्वेज, नॉन रेगुलर भी हो सकती है। पर अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये कंफर्म है कि वो लैंग्वेज कौन है, नॉट रेगुलर। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि इसके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी आपको नॉट या फिर नॉन रेगुलर, ये नॉन वर्ड आपको दिखना ही चाहिए, क्योंकि ये जो टूल है हमारे पास पंपिंग लेमा नाम का, ये हमारे लिए काय के, हमारे पास काय के लिए अवेलेबल है, टू शो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पंपिंग लेमा। डेफिनेशन में क्या है, इफ एल इज एनी रेगुलर लैंग्वेज इनफाइनाइट, एक एल नाम की लैंग्वेज है जो रेगुलर लैंग्वेज है और वो कैसी है, इनफाइनाइट है। ठीक है, एंड जेड बिलोंग्स टू एल, जेड यानी कि कोई एक स्ट्रिंग है जो बिलोंग्स टू क्या है, वो लैंग्वेज एल। ठीक है, सच दैट मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, यानी वो जेड की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल्स टू या ग्रेटर देन एन, एन क्या जो प्रॉब्लम में यूज होता है वेरिएबल वो। ठीक है, देन यू वी रेज टू पावर आई डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या होना चाहिए, यू वी रेज टू पावर आई डब्ल्यू, ये जो फॉर्मेट है ये ऑलवेज बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, वो लैंग्वेज एल होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी आई की वैल्यू जीरो है, जीरो से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, उन सभी वैल्यूज के लिए ये जो फॉर्मेट है ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू एल होना चाहिए। यानी ये जो भी स्ट्रिंग बनेंगी वो कायम रहनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज एल में रहनी ही चाहिए। ठीक है, वेयर जेड इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू, अभी ये जेड क्या है, जेड हमारी एक स्ट्रिंग है, वो भी कैसी स्ट्रिंग है, तीन स्ट्रिंग्स का क्या है, कॉन्केटिनेशन, यू वी डब्ल्यू नाम की तीन स्ट्रिंग्स हैं, इनका कॉन्केटिनेशन करके क्या बना है, जेड बना है। सच दैट ये जो तीन टुकड़े हैं, ये तीन टुकड़े करने का भी एक फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है, मॉड ऑफ यू वी इज लेस देन इक्वल्स टू जेड। यानी कि इसमें से ये जो यू वी नाम की स्ट्रिंग है ये क्या होनी चाहिए, जेड से इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मॉड यानी क्या, लेंथ, या फिर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बेटा ये ऑलवेज हमेशा उससे कम ही रहेंगी, क्योंकि जेड इक्वल्स टू अगर यू वी डब्ल्यू होता है तो अगर डब्ल्यू हमारा क्या है, इप्सलॉन भी है, तो भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, लेंथ वाइज इक्वल हो जाएंगे। या फिर अगर डब्ल्यू कोई एक वैलिड है, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया भाई ए ए बी बी, यानी कि ये मैंने बोल दिया भाई ये हमारा क्या है, Z है, इसमें से ये U है, ये V है, ये W है, तो मुझे बताइए इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4। ठीक है, Z की लेंथ, पर U V की लेंथ कितनी हो गई, 3। अरे आ रही है बात समझ में। अच्छा, मैंने कभी बोल दिया भाई Z इक्वल्स टू ऐसा ले लिया मैंने, A A B इप्सलॉन, ये तीन टुकड़े कर दिए मैंने, मुझे बताइए अब यू वी की लेंथ कितनी, 3। जेड की लेंथ भी कितनी, 3, क्योंकि ये इप्सलॉन तो हमें दिखने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये मैं प्रॉब्लम से आपको समझा दूंगा कि ये जेड के जो तीन टुकड़े करने हैं यू वी डब्ल्यू, वो इस प्रकार से करने हैं, सच दैट लेंथ ऑफ यू वी इज लेस देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ जेड होना चाहिए, एंड वी नॉट इक्वल्स टू जीरो।
मॉड ऑफ वी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जो वी है बीच वाला, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो सब स्ट्रिंग है, ये सब स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, इप्सिलॉन नहीं होनी चाहिए, यानी कि खाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुझे बताइए मॉड ऑफ वी नॉट इक्वल टू जीरो, बेटा ये जीरो कब होगा, जब अगर वी इक्वल टू हमारा क्या होने वाला है इप्सिलॉन, तब मॉड ऑफ वी हमारा क्या होने वाला है जीरो होने वाला है। तो मॉड ऑफ वी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब वी जो है वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए, इप्सिलॉन नहीं होना चाहिए, यानी वी हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये डेफिनेशन जो है वो ऐसे समझ में नहीं आती है, मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है। आइए एक प्रॉब्लम से समझते हैं कि ये पंपिंग लेमा ने बोला क्या था, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये डेफिनेशन मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ, एक प्रॉब्लम हो जाने दीजिए सिर्फ, ठीक है। प्रोसीजर टू सॉल्व पंपिंग लेमा प्रॉब्लम्स, पंपिंग लेमा प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले देख लेते हैं प्रोसीजर, ठीक है। एज्यूम गिवन लैंग्वेज एल इज रेगुलर लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज गिवन है जिसे हमें नॉन रेगुलर लैंग्वेज प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन हमेशा हर बार ऐसा ही आने वाला है कि एक लैंग्वेज दी रहेंगी आपको और वो बोलेंगे कि शो दैट इट इज नॉट रेगुलर, शो दैट इट इज नॉन रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है प्रूव दैट एल इक्वल्स टू ए रेस टू पावर एन बी रेस टू पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज नॉन रेगुलर लैंग्वेज। देखिए ये नॉन वर्ड हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, पंपिंग लेमा के प्रॉब्लम में ये होना ही चाहिए। वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि शो दैट एल इज अ रेगुलर लैंग्वेज, यानी कि हम पंपिंग लेमा रेगुलर लैंग्वेज शो नहीं करता, नॉन रेगुलर लैंग्वेज है तो ही वो पंपिंग लेमा काम आता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं प्रॉब्लम से आपको फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एज्यूम गिवन लैंग्वेज एल इज रेगुलर लैंग्वेज, ये पहली स्टेप, ये हमें प्रॉब्लम में लिखना है। चूज जेड बिलोंग्स टू एल सच दैट मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो जेड की लेंथ जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, इक्वल्स टू एन ही रहेंगी या फिर उससे बड़ी रहेंगी, ठीक है। स्प्लिट जेड इंटू थ्री पार्ट्स, जेड इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू सच दैट मॉड ऑफ यू वी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ वी नॉट इक्वल टू जीरो, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, प्रॉब्लम में फिर से देखते हैं। जेड के तीन टुकड़े करने हैं यू वी डब्ल्यू नाम के, उसमें से यू वी की लेंथ क्या आनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए जेड की लेंथ से, और वी क्या नहीं होना चाहिए, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉड ऑफ वी क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फोर्थ स्टेप, देखिए ये फोर्थ स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ आई सच दैट यू वी रेस टू पावर आई डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू एल, यानी कि अगर एक भी वैल्यू आई की ऐसी मिल गई जिसके लिए यू वी रेस टू पावर आई डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू एल आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, देन एल डज नॉट सेटिस्फाई पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी, हेंस इट इज अ नॉट रेगुलर लैंग्वेज। यानी अगर एक भी आई की वैल्यू ऐसी मिल गई हमें सच दैट क्या नहीं होना चाहिए, यू वी रेस टू पावर आई डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि भाई गिवन लैंग्वेज पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और अगर गिवन लैंग्वेज पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो कौन है, गिवन लैंग्वेज नॉन रेगुलर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा ये समझने वाला नहीं है। आइए हम देखते हैं एक क्वेश्चन और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट एल इक्वल्स टू ए रेस टू पावर एन बी रेस टू पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो इज नॉन रेगुलर लैंग्वेज। तो बेटा ये जो नॉन वर्ड है ये नॉन रेगुलर, इससे हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम काय का है, पंपिंग लेमा से हमें शो करना है। तो पंपिंग लेमा से शो करना है तो पहले तो मैं ये लैंग्वेज लिख देता हूँ। मुझे बताइए ए रेस टू पावर एन बी रेस टू पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मुझे बताइए जब एन की वैल्यू जीरो रहेंगी तो ये बनेगा एप्सिलॉन, जब एन की वैल्यू वन रहेंगी तो ये बनेगा ए बी, जब एन की वैल्यू टू रहेंगी तो ये बनेगा ए ए बी बी, थ्री रहेंगी तो इस प्रकार से, फोर रहेंगी तो इस प्रकार से, एंड सो ऑन, ये हमारी क्या है, लैंग्वेज है। पर मुझे बताइए प्रोसीजर क्या है, ये जो गिवन लैंग्वेज एल है मैं इसको बोल देता हूँ एज्यूम गिवन लैंग्वेज एल इज क्या, रेगुलर लैंग्वेज, यानी कि ये हमारा क्या है भाई, एजम्पशन है, ये मैंने एज्यूम किया कि ये क्या है, हमारी रेगुलर लैंग्वेज है। अरे भाई ये रेगुलर लैंग्वेज है तो इसने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, पहला पॉइंट। सेकेंड क्या है, चूज जेड बिलोंग्स टू एल सच दैट जेड मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, यानी कोई एक जेड ले लीजिए, तो मैं बोलता हूँ लेट जेड इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ ए ए बी बी,
क्या लेता हूं मैं, जेड इक्वल्स टू ए ए बी बी, ठीक है, ए ए बी बी। और उसमें क्या करना है, थर्ड स्टेप देखिए, स्प्लिट जेड इंटू थ्री पार्ट्स, जेड इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू सच दैट दिस, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, ये जेड के हम तीन टुकड़े कर देते हैं, एक यू नाम का, एक वी नाम का और एक डब्ल्यू नाम का, ठीक है। मैं बोलता हूँ यू में मैंने ले लिया डबल ए, कैसे भी कर सकते हो आप, बी, और यहाँ पे भी मैंने ले लिया बी, यानी कि ये ए ए बी बी को मैंने क्या कर दिया, दो ए ले लिया मैंने यू को, एक बी ले लिया वी को, और दिस। ये टुकड़े करते समय हमें क्या ध्यान में देना है, दो कंडीशन ध्यान में देनी है कि मॉड ऑफ यू वी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड होना चाहिए। बेटा ये अपने आप होगा, ये क्या होगा, अपने आप होने ही वाला है, यानी कि यू वी की लेंथ क्या होनी चाहिए, पूरे जेड की लेंथ से कम या फिर इक्वल होनी चाहिए। और वी नॉट इक्वल, मॉड ऑफ वी नॉट इक्वल्स टू जीरो, अभी मॉड ऑफ वी नॉट इक्वल्स टू जीरो यानी क्या, कि वो वी नाम की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो वी में कुछ ना कुछ स्ट्रिंग होनी चाहिए, यानी कि वी डज नॉट बिलोंग्स टू इप्सलॉन, यानी कि ये यहाँ पे आप इसके ऐसे टुकड़े नहीं कर सकते थे, ए ए इप्सलॉन बी बी, ये टुकड़े बिल्कुल ही गलत है। हाँ, आप अगर इसके तीन टुकड़े करना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, क्या ए ए इप्सलॉन ए ए इप्सलॉन बी बी, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वी इप्सलॉन नहीं होना चाहिए। पर मैं ऐसा कर सकता हूँ, यस ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू की तो कोई कंडीशन ही नहीं है कि डब्ल्यू इप्सलॉन नहीं होना चाहिए, वी इप्सलॉन नहीं होना चाहिए, देखिए वी इप्सलॉन नहीं है। मैं पूछता हूँ यू वी की मिला के लेंथ कितनी हो जाएंगी, चार, जेड की लेंथ कितनी है, चार, तो मुझे बताइए ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई ना, फोर इज लेस देन इक्वल्स टू फोर, आ रही है बात समझ में, तो मैक्सिमम टाइम्स ये कंडीशन तो बाय डिफॉल्ट ही सेटिस्फाई हो जाती है। मेनली हमें प्रिकॉशन किसका लेना है कि वी नाम का जो ये है पार्ट है, सबस्ट्रिंग है, वो क्या नहीं होना चाहिए, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। देखिए पहला प्रॉब्लम समझ में आ गया तो आपको बाकी सभी प्रॉब्लम्स ऐसे ही समझ में आ जाएंगे, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये प्रॉब्लम के बाद मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो देट आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमें पांच प्रॉब्लम्स लेने हैं, वो बहुत ही स्पीड में आपको समझ में आ जाएंगे। सिर्फ आपको क्या समझना है, पहला प्रॉब्लम आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं जैसे लिया था मैंने वैसे ही ले लेता हूँ मैं बी बी। अब आपको इसके पार्ट्स कैसे करना ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो मैंने पार्ट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, यू इक्वल्स टू डबल ए, वी इक्वल्स टू बी, डब्ल्यू इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब इसमें से आप क्या बना लीजिए, यू वी डब्ल्यू रेस टू पावर आई, मुझे बताइए अब यू क्या है, ए ए, वी क्या है, बी, तो ये हो जाएगा बी रेस टू पावर आई, और W क्या है, W हमारा क्या है, B, यानी मैंने ये फॉर्मेट तैयार कर लिया। कौन सा फॉर्मेट तैयार कर लिया, U V रेस टू पावर I W। अब एक एक वैल्यू को हमें क्या करना है, चेक करना है। पहले ले लेता हूँ मैं फॉर I इक्वल्स टू वन, मुझे बताइए I इक्वल्स टू वन के लिए ये U V रेस टू पावर वन W, देखिए I की जगह मैंने वन ले लिया, तो ये V की पावर वन क्या हो जाएगा, मुझे बताइए ये हो जाएगा ए ए बी की पावर वन B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये ए ए बी बी। तो मुझे बताइए क्या ए ए बी बी बिलोंग्स टू L नहीं है क्या, यस yes, है। कैसे पता, देखिए ये ए ए बी नाम, ए ए बी बी नाम की स्ट्रिंग हमारी क्या है, लैंग्वेज में आती है, तो बेटा इट इज बिलोंग्स टू L, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, I की सेकेंड वैल्यू के लिए चेक कीजिए, I की सेकेंड वैल्यू के लिए चेक करेंगे तो मैं करता हूँ फॉर I इक्वल्स टू टू, अरे भाई फॉर I इक्वल्स टू टू यू वी रेस टू पावर टू W, तो बेटा U कितना है ए ए, ठीक है, ये कितना है B की पावर टू, और W कितना है B, तो बेटा ये कितना हो जाएगा ए ए बी बी बी। मुझे बताइए ए ए दो ए तीन बी, ऐसा कभी इस लैंग्वेज में आ सकता है क्या, देखिए ये ए की पावर बी की पावर क्या है एन है, और एन एन तो हमारा क्या है सेम होना चाहिए, यानी कि ये ऐसा था इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीज, तो बेटा ये ए ए ट्रिपल बी, क्या ये स्ट्रिंग ये ऐसा नहीं हुआ, ए ए ट्रिपल बी डज नॉट बिलोंग्स टू एल, यानी कि मुझे क्या मिल गया, मुझे यू वी रेस टू पावर आई W does not belongs to क्या मिल गया L, काय के लिए for I equals to, यानी कि मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ that is U V raised to power I W does not belongs to L for I is equals to 2, अरे आ रही है क्या बात समझ में, तो ये चौथा पॉइंट हमारा यही था, if there exists at least one value of I, अगर I की कोई एक ऐसी वैल्यू मिल जाती है, एक भी ऐसी वैल्यू मिल जाती है such that U V raised to power W does not belongs to L हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, then L does not satisfy pumping lemma property, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, here L does not satisfy
सेटिस्फाई पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी, ये आपको पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी पूरा लिखना है। और अगर एल हमारा पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका मीनिंग क्या है, हेंस इट इज अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज। तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा हेंस इट इज अ नॉट रेगुलर लैंग्वेज, हेंस इट इज नॉन रेगुलर लैंग्वेज। यानी कि हमने क्या किया, हमने जो एजम्पशन किया था उसको हमने क्या प्रूफ किया, उसको हमने कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि हमने उसको गलत प्रूफ कर दिया। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो हेंस इट इज नॉन रेगुलर लैंग्वेज एंड आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। भाई हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था, करेक्ट नहीं था, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। यानी हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें एक जेड नाम की क्या लेनी है, एक स्ट्रिंग लेनी है जिसके हमें तीन टुकड़े करने हैं यू वी डब्ल्यू। और वो यू वी डब्ल्यू जो टुकड़े करने वाले हैं उसमें ये दो कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है कि यू वी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जेड की लेंथ से बराबर होनी चाहिए, या फिर यू वी की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, जेड से कम होनी चाहिए। और सेकेंड हमारी वी नाम की जो स्ट्रिंग है वो क्या नहीं होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। यानी कि वी में से आप क्या नहीं ले सकते हो, इप्सिलॉन नहीं ले सकते हो। उसके बाद आप एक फॉर्मेट बनाइए u v raise to power i w, और उसमें i की आप 1 से लेके अलग अलग वैल्यूज को क्या कीजिए, चेक कीजिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर i की कोई एक भी वैल्यू ऐसी मिल गई जिसके लिए u v raise to power i w does not belongs to l हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो लैंग्वेज पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। और अगर कोई लैंग्वेज पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो क्या है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। आइए एक काम करते हैं, फिर से एक बार मैं डेफिनेशन रीड कर देता हूँ सो देट हम ये मिटा देते हैं, आप लिख लीजिए और जल्दी से हम बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है डेफिनेशन, इफ एल इज एनी रेगुलर लैंग्वेज इनफाइनाइट एंड जेड बिलोंग्स टू एल, जेड एक हमारी क्या है स्ट्रिंग है, सच दैट मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, देन यू वी रेज़ टू पावर आई डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल, फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, वेयर जेड इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू सच दैट दिस। यानी कि बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, जेड नाम का ये स्ट्रिंग लेना है जिसमें तीन पार्ट्स है, उसके जो तीन पार्ट्स है उसमें से जो सेकंड पार्ट है यू वी डब्ल्यू में से वी, उसकी पावर में हमें आई लेना है, फिर यू वी रेज़ टू पावर आई डब्ल्यू ये क्या होना चाहिए, ऑलवेज बिलोंग्स टू एल होने ही चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब कि वो लैंग्वेज पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। और कोई लैंग्वेज पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो ये गारंटी है कि वो क्या है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। तो इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, इसका वाइस वर्सा ऐसा है कि अगर कोई लैंग्वेज पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो वो रेगुलर भी हो सकती है, नॉन रेगुलर भी हो सकती है। पर अगर पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो कंफर्म क्या है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। आ रही है बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं है, एक काम कीजिए जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो भी हमारा ये बेसिक्स है और ये हमारा जो पहला प्रॉब्लम है इसको क्या कर लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए, मैं इसको मिटा के क्या कर देता हूँ, सेकेंड प्रॉब्लम या फिर बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, और एक बात, मैंने यहाँ पे आपको क्या सिखाया कि जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में आपको क्या दिखना चाहिए कि प्रूव दैट रेगुलर लैंग्वेज है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रूव दैट द गिवन लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर लैंग्वेज, यानी कि नॉन रेगुलर या फिर नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज, इस प्रकार के हमें क्या दिखने चाहिए, वर्ड्स दिखने चाहिए। चलिए आइए जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन टू। ठीक है, क्वेश्चन टू, अब क्वेश्चंस बहुत ही हमारे ईजी होने वाले हैं। क्वेश्चन है, शो दैट द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, शो दैट द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज, इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज। देखिए ये नॉट रेगुलर जो वर्ड आया है इसका मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन हमारा काय का है, पंपिंग लेमा का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन क्या है, लैंग्वेज गिवन है एल इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन स्क्वेयर सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, शायद से एक मिनट, जीरो है कि वन है, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। चलिए कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन आइए जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। मुझे बताइए n की वैल्यू जीरो हो गई तो बेटा वो हो जाएगा इप्सिलॉन, n की वैल्यू वन हो गई तो वो हो जाएगा a, n की वैल्यू 2 हो गई तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, n की वैल्यू 3 हो गई तो बेटा n की वैल्यू 3 हो गई तो ये हो जाएगा a की पावर 9,
और ए की वैल्यू ठीक है, और ये एन स्क्वायर है, ये एन स्क्वायर का मतलब अगला क्या हो जाएगा, 9 के बाद 16, ये ए की पावर 25, ए की पावर 36 एंड सो ऑन, ये हमारी क्या है, लैंग्वेज है। चलिए जल्दी से हमें सॉल्व करने की प्रोसीजर मालूम है। सबसे पहले तो हम क्या बोल देंगे कि एज्यूम गिवन लैंग्वेज एल इज रेगुलर लैंग्वेज, यानी हम ऐसा क्या ले लेते हैं, एजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं लेट जेड इक्वल्स टू, बेटा ये लैंग्वेज का एक क्या ले लीजिए, स्ट्रिंग ले लीजिए, ठीक है। ये मैंने ले लिया ए ए ए ए, ठीक है, ए ए ए ए, ये मैंने ले लिया, ठीक है। इसके तीन टुकड़े करना है मुझे, चलिए कोई बात नहीं, तीन टुकड़े यू वी डब्ल्यू, वी खाली नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये दो ए इधर ले लेता हूँ इप्सलॉन। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई सर ने बोला कि भाई डब्ल्यू में हम इप्सलॉन ले सकते हैं, तो सर तो ले ही नहीं रहे हैं, चलिए लेके देखते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, वी में आपको इप्सलॉन नहीं लेना है, आप डब्ल्यू में या फिर यू में ले सकते हो। हाँ, पर यू वी की कंडीशन क्या है, ये दो कंडीशन है भाई, मॉड ऑफ यू वी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड एंड मॉड ऑफ वी नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो मॉड ऑफ वी तो यहाँ पे टू है, ठीक है, और ये यू वी की लेंथ चार है, जेड की भी लेंथ चार है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये यहाँ पे भी लिखना चाहिए था, मैंने लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले ये दो एग्जांपल्स देखिए, फिर मैं आपको एक थोड़ा सा जनरलाइजेशन भी बताता हूँ, इसीलिए मैंने ये पहला एग्जांपल अभी तक मिटाया नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए इधर जल्दी से, अब मैं ले लेता हूँ यू वी रेज टू पावर आई डब्ल्यू, तो बेटा ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए ए, ये ए ए की पावर आई इप्सलॉन, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो फिर से हम ले लेते हैं पहला, फॉर आई इक्वल्स टू वन, अरे भाई आई इक्वल्स टू वन यू वी रेज टू पावर वन डब्ल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ए ए ए की पावर वन, यानी कि ये हो जाएगा ए ए ए ए, ठीक है। अरे भाई ये ए ए ए ए जो है, क्या ये चार ए बिलोंग्स टू एल है, यस है, यानी आई इक्वल्स टू वन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं, फॉर आई इज इक्वल्स टू टू, भाई फॉर आई इक्वल्स टू टू यू वी रेज टू पावर टू डब्ल्यू, तो बेटा ये हो जाएगा ए ए और ये हो जाएगा ए ए की पावर ए ए की पावर टू और ये इप्सलॉन, तो बेटा ये हो गया ए ए और ये ए ए ए का दो बार लेना है, तो ये हो जाएगा ऐसा, तो बेटा ये क्या हो गए, सिक्स एज हो गए, ए ए ए ए ए ए, ठीक है। मुझे बताइए ये क्या, ये सिक्स टाइम्स ए बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज है क्या, बिल्कुल नहीं, तो आप लिखिए ए ए ए ए डज नॉट बिलोंग्स टू L, तो बेटा does not belongs to L है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि U V raised to power I W does not belongs to L, कब के लिए भाई, for I equals to 2 के लिए, ये कब satisfy नहीं हुई प्रॉपर्टी, for I equals to 2 के लिए। अच्छा, पंपिंग लेवल प्रॉपर्टी satisfy नहीं हुई, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि ये नहीं हुआ है, here L does not satisfy pumping lemma property, क्या भाई, here L does not satisfy pumping lemma property, ठीक है। अगर L pumping lemma property satisfy नहीं कर रहा है तो क्या भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ hence it is a not regular language and our assumption is incorrect, ठीक है। और उसके बाद हैंड्स प्रूव्ड कि गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज, आई बात समझ में, यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, हैंस इट इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज। अरे आई क्या बात समझ में, आप ये जेड को अलग तरीके से भी स्प्लिट कर सकते थे, ठीक है। हाँ, और एक बात कि ये क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू तो सॉल्व हो गए, पर मैंने आपको बोला एक जनरलाइजेशन, आइए मैं आपको एक जनरलाइजेशन बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये जेड इक्वल्स टू मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लिया, तो क्या मैं जेड को यहाँ पे ऐसा नहीं ले सकता था, कंप्लीट जेड ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन, फिर किसी ने बोला भाई इसके टुकड़े कीजिए तीन, ठीक है, मैं इसके टुकड़े ऐसे कर देता था ए रेज टू पावर एन माइनस वन और ये ए की पावर वन और ये ए की पावर वन और ये बी की पावर एन, मुझे बताइए ये ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन की हम ऐसे टुकड़े कर सकते हैं, ए रेज टू पावर एन माइनस वन ए की पावर वन बी की पावर एन, देखिए इन तीनों को कॉन्कैटिनेट कर दीजिए, ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन बनेगा। अब कोई बोले हमें कि भाई आई इक्वल्स टू वन के लिए चेक कीजिए, तो बेटा ये आई इक्वल्स टू वन यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए मैं करके बताता हूँ, यू वी रेज टू पावर आई डब्ल्यू, तो बेटा यू हो जाएगा ये ए रेज टू पावर एन माइनस वन, ठीक है,
और ये v की पावर i, v की पावर है, v यानी क्या है, a की पावर 1, अरे a की पावर 1 की पावर i, तो बेटा ये हो जाएगा a की पावर i, और ये क्या हो जाएगा w, w यानी क्या v की पावर n, तो मैं मुझे कोई बोले कि भाई a की वैल्यू क्या ले लीजिए, i की वैल्यू क्या ले लीजिए 1, तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस 1 a b रेस टू पावर n, तो बेटा ये कितना हो जाएगा a की पावर n b की पावर n। पर अगर कल चल के मुझे कोई बोले भाई i इक्वल्स टू कितना है 2, तो बेटा ये हो जाएगा a की पावर n माइनस 1 a की पावर 2 b की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस 1 b की पावर n। मुझे एक बात बताइए, ये a रेस टू पावर n प्लस 1 और b की पावर n, क्या ये बिलोंग्स टू मेरा लैंग्वेज L है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम जैसे मैंने यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग ली थी AABA लैंग्वेज की, तो आप उसको लैंग्वेज की स्ट्रिंग का जनरलाइजेशन भी ले सकते हो और उसको पकड़ के भी हम क्या कर सकते हैं, उसके तीन पार्ट्स करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर ये थोड़ा सा इजी वे है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पकड़ के कीजिए, इसलिए मैं पर्टिकुलर स्ट्रिंग का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आपको जनरलाइजेशन चाहिए तो हम जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते थे, ए की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 और a की पावर 1 और इधर ले लेता था मैं एप्सिलॉन, ऐसा हम कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों प्रॉब्लम्स। जल्दी से फिर से वीडियो को क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए और ये पहला प्रॉब्लम और वो जो सेकंड प्रॉब्लम है ये कॉपी कर लीजिए, तो हम और एक दो प्रॉब्लम्स बहुत ही स्पीड में ले लेते हैं। हाँ, इतना है कि अब मैं ये प्रॉब्लम को डेकोरेट नहीं करने वाला हूँ, ये लिखने का काम आप कर लीजिएगा। मैं जल्दी से आपको आई की वैल्यू निकाल के दे दूंगा कि कौन सी आई की वैल्यू के लिए यू वी रेस टू पावर आई डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू एल हुआ, ठीक है। तो आप इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सिस्टमेटिकली लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को। मैं जल्दी से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। चलिए, किया वीडियो पॉज किया, कॉपी कर लिया, चलिए ठीक है, कॉपी कर लिया तो हम इनको हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, क्वेश्चन या तो प्रूव दैट या तो शो दैट के आने वाले हैं, और उसमें भी क्या दिखने वाला है, नॉट रेगुलर लैंग्वेज ये वर्ड हमें दिखना चाहिए, इट मीन्स कि वो क्या है, पंपिंग लेमा का प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं जल्दी से क्या कर देता हूँ, आपको शॉर्ट में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर ऐप पे और मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट, प्रूव दैट नहीं है, शो दैट द फॉलोइंग लैंग्वेज आर नॉट रेगुलर, ठीक है। शो दैट द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। पर लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज है L इक्वल्स टू W W सच दैट W बिलोंग्स टू समेशन का स्टार, ठीक है, कॉमा करके वेयर समेशन इक्वल्स टू a कॉमा बी, ठीक है, वेयर समेशन इक्वल्स टू a कॉमा बी, ऐसा हमें क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, मुझे एक बात बताइए, सॉल्यूशन में ये लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, W W का मतलब क्या, सपोज W अगर मेरा a बी है तो बेटा W के पीछे फिर से क्या आनी चाहिए, W नाम की स्ट्रिंग आनी चाहिए। सपोज ये W मेरा है ट्रिपल a, तो बेटा ये हो जाएगा ट्रिपल ए, ये W अगर मैंने ले लिया बी ए बी, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा बी ए बी एंड सो ऑन, यानी कि W अगर हमारी क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो उसके पीछे फिर से क्या आना चाहिए, W ही आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारी स्ट्रिंग है, जल्दी से मैं जेड इक्वल टू इसके तीन टुकड़े ले लेता हूँ, मैं जेड इक्वल टू ए बी ये ले लेता हूँ, ठीक है, इसके तीन टुकड़े करने हैं, मैं ले लेता हूँ ए बी, ठीक है। चलिए बताइए, यू वी रेस टू पावर आई डब्ल्यू, अरे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी ए की पावर आई बी, मुझे बताइए अगर मैंने आई इक्वल्स टू वन ले लिया तो बेटा ये हो जाएगा ए बी ये तो सेटिस्फाई कर लेगा, पर जब मैंने आई इक्वल्स टू टू ले लिया, आई इक्वल्स टू टू, तो बेटा ये हो जाएगा ए बी ए ए बी, मुझे बताइए ये तो ऑड लेंथ हो गई, ठीक है, आई इक्वल्स टू टू, यानी कि इसमें हम इसके दो पार्ट्स कर देंगे, तो इधर भी सेम स्ट्रिंग होना चाहिए, इधर भी सेम स्ट्रिंग होना चाहिए डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये ए बी ए ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू एल, यानी कि यू वी रेस टू पावर आई डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू एल है फॉर आई इक्वल्स टू टू, तो बेटा प्रॉब्लम को डेकोरेट कर लीजिएगा, यहाँ पे भी आई की वैल्यू क्या है टू है, जिसके लिए यू वी रेस टू पावर आई डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू L हुआ, आई बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं। और रही बात ये लैंग्वेज की, तो बेटा ये लैंग्वेज L इक्वल्स टू W W सच दैट W बिलोंग्स टू इप्सिलॉन का ये समेशन का स्टार, बेटा ये समेशन का स्टार यानी क्या, मुझे एक बात बताइए,
यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। अरे भाई अगर समेशन अगर हमारा a कॉमो b है तो ये जो समेशन का स्टार है ना बेटा, ये समेशन का स्टार होता है a प्लस बी का स्टार। बेटा ये a प्लस बी का स्टार क्या होता है, a और b से बनने वाली सभी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग इप्सलॉन। तो बेटा ये हमारा क्या था, इनपुट सिंबल्स जैसे हम बोलते थे एफ ए में, कि भाई a और b से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग हमारी क्या हो सकती है, w, पर लैंग्वेज का फॉर्मेट है www, यानी कि दो बार वो सेम फॉर्मेट बनना चाहिए। आई बात समझ में, कि ये जो समेशन स्टार है, ये समेशन स्टार का मतलब होता है a प्लस बी का स्टार, क्योंकि समेशन तो बेटा यहाँ पे क्या है a कॉमा b, यानी ये w क्या है, a और b के कॉम्बिनेशन से बनने वाली कोई भी एक स्ट्रिंग। तो बेटा www क्या हो गया, दो सेम स्ट्रिंग्स आगे पीछे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो एक काम कीजिए, जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, मैं क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा इसी प्रकार से है, एल इक्वल्स टू डब्ल्यू डब्ल्यू रेस टू पावर आर। बेटा ये डब्ल्यू डब्ल्यू रेस टू पावर आर यानी होता है रिवर्स, ये आर का मतलब होता है रिवर्स, ये डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू रेस टू पावर आर यानी कि ये डब्ल्यू का क्या है, वो रिवर्स है। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, सच दैट डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए प्लस बी का स्टार। देखिए ये क्वेश्चन उन्होंने बहुत ही सीधा दे दिया, W क्या कर सकता है, W क्या हो सकता है, A और B से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, और ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट है W W रेस टू पावर R, यानी कि अगर W A B है तो ये B A हो जाएगा, अगर W हमारा A A B B है तो बेटा W का रिवर्स हो जाएगा B B A A एंड सो ऑन। जो स्ट्रिंग है सामने उसका ही क्या होना चाहिए, रिवर्स पीछे होना चाहिए, ऐसा हमारा वो स्ट्रिंग का फॉर्मेट है। चलिए फिर से हम इसमें से ले लेते हैं ए बी बी ए, इसके तीन टुकड़े कर लेंगे, ए बी बी या फिर ए बी बी ए, ठीक है। यानी कि यू वी रेस टू पावर आई डब्ल्यू, ये हो जाएगा ए बी बी की पावर आई ए, ठीक है। फिर से मैं बोलता हूँ आई इक्वल्स टू वन, आई इक्वल्स टू वन के लिए ए बी बी ए, ठीक है। I is equals to 2 के लिए ए बी 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 ए, मुझे बताइए इसका हाफ ही नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो पांच लेंथ की स्ट्रिंग है, तो कौन सा W और कौन सा W का रिवर्स, कुछ भी नहीं। यहाँ पे ये पांच लेंथ की स्ट्रिंग का वो इक्वल हाफ होने ही नहीं वाला है, इट मीन्स कि क्लियरली दिस इज नॉट बिलोंग्स टू अवर L, यानी कि U V raised to power I W for I equals to 2 does not belongs to L, therefore cannot satisfy pumping lemma property and hence it is not regular language, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, ये कौन सा था हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, शो दैट, क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है फिर से वही, इसी प्रकार से है, शो दैट द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, पर क्वेश्चन है अब हमारा a रेस टू पावर n, b रेस टू पावर n, c रेस टू पावर n, अच्छा a रेस टू पावर n, b रेस टू पावर n, c रेस टू पावर n, सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो मुझे बताइए बेटा ये लैंग्वेज क्या हो गई, ए बी सी, ए ए बी बी सी सी, ए ए ए बी 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 सी 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 एंड सो ऑन। अरे छोड़िए ना, देख लीजिए ये ए बी सी तीन टुकड़े, ए बी सी, ठीक है, यू वी रेस टू पावर आई डब्ल्यू, ए बी रेस टू पावर आई सी, अरे ऐसा ही ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आई इक्वल्स टू वन के लिए ये ए बी सी, आई इक्वल्स टू टू के लिए ये ए बी बी सी। मुझे बताइए ए बी बी सी वो लैंग्वेज में आने वाला है क्या, जब ए बी सी तीनों की पावर में एन है, यानी इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ सीज होने चाहिए थे। अरे तो ये जो स्ट्रिंग है ए बी बी सी, ये तो डज नॉट बिलोंग्स टू एल हो गई। तो फिर से यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यू वी रेस टू पावर आई डब्ल्यू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू एल फॉर आई इक्वल्स टू टू, ठीक है। यानी आई इक्वल्स टू टू के लिए वो क्या हो रहा है, फेल्यूर हो रहा है, यानी पंपिंग लेमा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, और हेंस इट इज अ नॉट रेगुलर लैंग्वेज। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को डेकोरेट करके आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पंपिंग लेमा टूल जो है वो हमारा क्या है, किसी लैंग्वेज को नॉन रेगुलर लैंग्वेज शो करने के लिए यूज होता है, बस यही हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास।